नमस्कार दोस्तों, आउसी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बेबी फ्रॉक के सेकंड पार्ट को लेके हाजिर हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आस्तीन तक बना लिया था और आस्तीन के फंदे घटा लिए थे। अब सेकंड पार्ट में मैं इसी डिजाइन को यहाँ पे सेट करूँगी। तो हमारे पास फ्रंट पार्ट में हमारे पास 35 फंदे हैं। पहला फंदा मैं स्लिप कर लूँगी और 10 फंदे उल्टा बुनूँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये हो गया टोटल 11 फंदे। अब दो फंदों को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा बना लूँगी। उसके बाद उन दूसरी तरफ 4 फंदे सीधे, फिर उन अपनी तरफ एक फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर 4 फंदे जाली देते हुए सीधे, 1, 2, 3 और 4। अब उन अपनी ओर करूँगी और दो फंदे एक साथ लेके उल्टा बुनते हुए 2 का 1, और शेष 11 फंदे इधर बचेंगे तो उन्हें भी हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट बुन गया। अब ये आस्तीन के फंदे घटे हुए हैं, तो अब हम बैक पोर्शन के भी फंदे इसी में ले लेंगे और बैक के सारे फंदे हम उल्टा बुनते हुए सेकंड फ्रंट पार्ट के पास पहुंचेंगे। तो बैक के फंदे मैं सारा उल्टा बुन लेती हूँ। तो बैक के सारे फंदे मैंने उल्टे बुन लिए हैं, पीछे कोई भी डिज़ाइन नहीं पड़ा है। तो अब ये सेकंड फ्रंट पार्ट है, तो 11 फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नौ, 10, 11 और 12 और 13 को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा। अब 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 और 5वें फंदे के दोनों तरफ हमें जाली देना है। तो जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और 4 फंदे जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। अब उन अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 2 का 1 कर लेंगे, और शेष 11 फंदे बचे हैं तो उन्हें हम उल्टा बना लेंगे। 10 और लास्ट फंदा, इसे हम सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं और ये हमारा 12 लाइन कंप्लीट हो गया है। बटन होल से ये 12 लाइन कंप्लीट हो गया है, यानी इस लाइन में अब हम फिर बटन होल बनाएंगे। तो पहला फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। अब उन सिलाई में ऐसे चढ़ा के लाएंगे और 2 फंदों को एक साथ लेके उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह ये हमारे 5 फंदे बन गए। पिछली लाइन में हमने 11 फंदे बुने थे, तो इस लाइन में हम 10 फंदे उल्टे बुनेंगे। चार, आठ, दो, 10 फंदे ये हो गए। अब 11 और 12 को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4। 4 फंदे सीधे के जस्ट पहले वाले, तो 4 सीधे
फंदों के जस्ट पहले वाले दो फंदों को एक साथ लेके हमने दो का एक किया है उल्टा बुनते हुए। अब यहाँ पे जाली देते हुए तीन फंदे सीधे बनाएंगे। अब ऊन अपनी ओर करेंगे और चार फंदे जाली देते हुए सीधा, दो तीन चार। अब ये हमारे चार फंदे जाली के बाद चार फंदे सीधे बुने जा चुके हैं, तो ऊन अपनी ओर करेंगे और अगले दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। यानी यहाँ पे जो दो फंदे जाली से दो फंदे बढ़ रहे हैं वो यहाँ पे हमने इसे घटा दिया। अब शेष फंदे उल्टे बुनते हुए दूसरे फ्रंट पार्ट की तरफ आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदे उल्टा बुनते हुए हम फ्रंट साइड में आ गए हैं और लास्ट के दो उल्टे फंदे बचे हुए हैं, तो इन्हें हम दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। अब उन दूसरी ओर करेंगे और चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार। और अब जाली के हमको जाली के ऊपर जाली बनाना है, तो उन अपनी ओर करेंगे और देखिए इन तीन फंदे जाली से जाली तक तीन फंदे हैं, तो तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब फिर हमें इस जाली के ऊपर जाली बनाना है, तो उन अपनी ओर करेंगे और चार फंदे ये सीधे हैं तो उन्हें सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे दो जाली बनने से दो फंदे बढ़ गए हैं। यहाँ पे हमने दो फंदे का एक किया था, यानी एक फंदा यहाँ घट गया, तो फिर यहाँ पे चार फंदे जब सीधा बुन लेंगे तो फिर उन अपनी ओर करेंगे और दो उल्टे फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर देंगे। यानी यहाँ पे भी हमने एक फंदा घटा लिया। अब शेष फंदे उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे और लास्ट फंदे को सीधा बुनेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदे, हर लाइन में रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे ही बुने जाएंगे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं। साइड के फंदे मैंने उल्टे बुन लिए हैं और लास्ट के दो उल्टे फंदे बचे हैं, तो दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। अब उन दूसरी ओर करेंगे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन और चार। अब उनको अपनी ओर करेंगे और जाली से जाली तक, यानी कि पांच फंदे जाली देते हुए सीधा बनाएंगे, तीन चार पाँच। और फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, इस जाली के ऊपर हमें जाली बनाना है, तो ऊन अपनी ओर करेंगे और इन चार फंदों को सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन चार। चार फंदे सीधा बुनने के बाद ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। फिर शेष सभी फंदे उल्टा बुनते हुए हम दूसरी साइड में आ जाएंगे। सभी फंदे उल्टा बुनते हुए हम फ्रंट पार्ट की तरफ आ गए हैं, तो ये सीधे फंदे के जस्ट पहले वाले दो फंदे उल्टे हैं, तो दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। फिर उन दूसरी ओर करेंगे, चार फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली से जाली तक पांच फंदे हैं, तो जाली देते हुए पांच फंदे सीधे बना लेंगे। अब उन अपनी ओर करेंगे और जाली के ऊपर हमें जाली देना है, तो जाली देते हुए ये चार फंदे जो हैं इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। सीधा बुनने के बाद, चार फंदों के बाद हमें दो फंदों का एक करना है, क्योंकि हमने यहाँ जाली बनाया है तो फंदे बढ़ गए हैं। अब इसे घटाने के लिए हम सीधे फंदे के जस्ट बाद वाला दो फंदा एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। शेष सभी फंदे उल्टे, लास्ट फंदा सीधा, और लास्ट फंदा सीधा बनेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे।
अब सामने की तरफ से पहला फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे, सात फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब आठवां और नौवां फंदा दोनों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे और फिर चार फंदे सीधे, यानी हर सीधी लाइन में इधर की तरफ के एक एक फंदे घटते चले जा रहे हैं। तो हमें चार सीधे फंदों के जस्ट पहले वाले दो फंदों को एक साथ लेना है और उल्टा बुनते हुए दो का एक करना है, इसे याद रखिएगा। फिर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, अब उनको अपनी ओर करना है और सात फंदे जाली देते हुए सीधा बनाना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात, फिर उनको अपनी ओर करना है और जाली देते हुए चार फंदे सीधे, चार फंदे सीधे बुनने के बाद अगले दो फंदे एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। शेष सभी फंदे उल्टा बुनते हुए हम दूसरी साइड में आ जाएंगे। फिर हम फ्रंट साइड में आ गए हैं तो दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। फिर उन दूसरी ओर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, उन अपनी ओर करेंगे और सात फंदा जाली देते हुए सीधा बना लेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे और चार फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे, शेष फंदे उल्टे, लास्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो आठ लाइन का ये डिज़ाइन, यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब ये हमारा नाइन्थ रो है। नाइन्थ रो से फिर फर्स्ट रो शुरू हो जाएगा, यानी कि पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, दस फंदा उल्टा बुनेंगे, हमारे टोटल ग्यारह फंदे हो गए। तो बारहवें और तेरहवें फंदे को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। ये हमारे जो साइड के चार फंदे थे अब वो उल्टे फंदों में आ गए और उन दूसरी ओर करेंगे। अब चार फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन और चार, और ये जो सेंटर फंदा है पांचवा फंदा, उसके दोनों तरफ हमें जाली देना है। तो जाली देते हुए सीधा बनाया, फिर उन अपनी ओर किया, जाली देते हुए सीधा, फिर जाली देते हुए दो फंदे हो गए, ये तीन और चार। अब उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। शेष सभी फंदे उल्टा बुनते हुए हम दूसरी साइड में आ जाएंगे। अब हम उल्टा फंदा, सभी फंदे उल्टा बुनते हुए दूसरे साइड में आ गए हैं। तो ये डिज़ाइन के चार फंदे हैं जो अब उल्टे हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम इन नौ फंदों में ही डिज़ाइन बनाएंगे, तो ये चार फंदे जो साइड के हैं जाली के बाद वाले, उन्हें हम उल्टा बनाएंगे। तो इन चार फंदों में से दो फंदा हम उल्टा बना लेंगे और फिर दो फंदों को एक साथ लेके दो का एक करते हुए उल्टा बुनेंगे। अब उन दूसरी ओर करेंगे और चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, और ये सेंटर फंदा है तो इसके दोनों तरफ हमें जाली देना है। तो जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार। अब उन दूसरी ओर करेंगे, ये चार फंदे अब हमें उल्टे बना लेने हैं, तो दो फंदों को एक साथ लेंगे। यहाँ पे हमारे चार फंदे सीधे यहाँ पे आ गए हैं, तो चार फंदा सीधा बनने के बाद हम दो फंदा एक साथ लेके उल्टा बना रहे हैं। तो अब ये सीधे फंदे जो है वो अब उल्टे हो जाएंगे। तो दो फंदा एक साथ लेते हुए यहाँ पे दो का एक कर लिया उल्टा बनते हुए, और शेष सभी फंदे उल्टे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे।
अब हम फिर फ्रंट साइड पे हैं, साइड के सभी उल्टे फंदों को उल्टा बुन लिया है और साइड के दो उल्टे फंदे जिन्हें हम एक साथ लेते हुए दो का एक कर लेंगे उल्टा बुनते हुए, और फिर चार सीधे फंदे। अब जाली के ऊपर हमें जाली बनाना है तो उन अपनी ओर करेंगे जाली देते हुए तीन फंदे सीधे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए चार फंदे सीधे। चार फंदा सीधा बुनने के बाद फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक, और उल्टे फंदों को उल्टा बुनते हुए हम दूसरी साइड में आ जाएंगे। सभी फंदे उल्टे बुन लिए गए हैं, लास्ट के दो उल्टे फंदे बचे हैं तो दोनों को एक साथ लेंगे और दो का एक कर लेंगे उल्टा बुनते हुए उन दूसरी ओर, और चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार चार, फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली के ऊपर जाली बनाना है तो जाली देते हुए तीन फंदे सीधे बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए चार फंदे सीधे। एक दो तीन चार, चार सीधे फंदे बनाकर उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक। शेष सभी फंदे उल्टे, लास्ट फंदा सीधा, रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। फिर ये हम सीधी तरफ में हैं, लास्ट के दो उल्टे फंदे बचे हैं तो दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे उन दूसरी ओर करेंगे और चार फंदा सीधा। अब ये हमारा तीसरा जाली पड़ रहा है, चार जाली का ये डिज़ाइन है और तीसरा जाली पड़ रहा है, तो उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए पांच फंदे सीधे बना लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और चार फंदे जाली देते हुए सीधा। उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे, और शेष फंदे उल्टे बुनते हुए हम दूसरी साइड भी ऐसे ही डिजाइन बना लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब ये फिर डिजाइन का सातवां लाइन है, तो सीधे फंदे के जस्ट पहले वाले दो फंदे हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे उन दूसरी ओर, चार फंदे सीधे, और देखिए ये हमारा चौथा जाली पड़ने जा रहा है, यानी कि डिजाइन कंप्लीट होने जा रहा है। तो चार जाली पड़ने का मतलब है कि बीच में सात फंदे हो गए हैं, तीन, तो सात फंदे जाली देते हुए सीधा बुन लेंगे। अब ये देखिए तीन फंदे इधर और तीन फंदे इधर, छह फंदे हुए और ये बीच का एक फंदा यानी सात फंदे ये हुआ। दोनों ओर जाली पड़ने से अब नौ फंदे हो जाएंगे, यानी कि ये डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले लाइन में अब ये बीच के नौ फंदों पे डिजाइन पड़ेगा और ये साइड वाले जो चार फंदे हैं वो अब उल्टे बुने जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चार जाली कंप्लीट हो गया है, यानी कि ये डिजाइन अब कंप्लीट हो गया है। तो साइड वाले ये जो चार फंदे हैं ये अब उल्टे हो जाएंगे और डिजाइन बीच से बनना शुरू हो जाएगा, यानी बीच वाले फंदे के दोनों साइड में हम जाली देना शुरू कर देंगे। तो चार ये सीधे फंदों में से दो फंदा उल्टा बना लिया जाएगा और दो फंदे एक साथ लेते हुए उल्टा उन दूसरी ओर करेंगे। अब यहाँ पे नौ फंदे हैं तो चार फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे और पांचवें फंदे के दोनों साइड में हम जाली देंगे। अब देखिए ये चार फंदे सीधे हैं, यानी कि अब ये डिजाइन यहाँ से फिर से शुरू हो गया और ये चार फंदे जो थे पहले अब ये उल्टे हो जाएंगे।
तो दो फंदा, जैसे कि चार सीधे फंदों के बाद हम दो फंदों को एक साथ लेते हुए उल्टा बना रहे हैं, तो ये दो फंदे एक साथ लेते हुए उल्टे हो जाएंगे और ये दो फंदा उल्टा। तो फिर से ऐसे ही डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। तो आपको डिज़ाइन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन बनाते हुए हम पूरी लंबाई कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं लंबाई कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 10 डिज़ाइन तैयार हो गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया है। और इसके साथ ही 21 सेंटीमीटर लंबाई हो गया है। और अगर इंच में नापे तो 8 इंच, यानी लंबाई 8 इंच कंप्लीट करने के बाद हम 8 लाइन उल्टा उल्टा बुनेंगे बॉर्डर बनाने के लिए। तो उल्टे फंदों की मैंने 7 लाइन कंप्लीट कर लिया है और ये 8वां लाइन है। तो अब इस लाइन में हम सारे फंदे बंद कर लेंगे। अब जैसे भी बंद करते हो, या तो ऐसे चढ़ा के या फिर दो फंदों को एक साथ लेके और उल्टा बुनते हुए, आप जैसे भी उतारते हो वैसे उतार लें। तो मैं आपको सारे फंदे उतार के दिखाती हूँ। तो सारे फंदे उतर गए। अब इसको धागे को काट लेंगे और ऐसे खींच के निकाल लेंगे, इसके अंदर से ऐसे खींच के निकाल लेंगे, टाइट करेंगे और इसे अंदर की तरफ ऐसे कर लेंगे। इसके साथ ही स्वेटर बनके तैयार हो गया। सिलाई इसमें करनी नहीं है। तो फ्रेंड्स, बेबी स्वेटर आपके सामने है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।